राधे राधे, कैसे राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए क्रोशिया की इस तरह की ये इनर बनाएंगे। ये जैसे हम छोटे बच्चों को इनर पहनाते हैं ज्यादा ठंड में, जिससे वो भर के रहें, उन्हें ठंड ना लगे। टाइट इनर जो अंदर कपड़ों के अंदर पहनाई जाती है, उसी तरह से हम हमारे कान्हा जी के लिए ये छोटी सी टाइट इनर बनाएंगे, जिससे हमारे कान्हा जी किसी भी पोशाक के अंदर इस इनर को पहन सकें और उन्हें ठंड ना लगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये हम इस तरह की ऊन लेंगे। हम ज़्यादा मोटी ऊन का यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल साइज की ऊन लेंगे और 11 नंबर की क्रोशिया। सबसे पहले हम स्लिप नोट लगाएंगे, ऐसे। अब चैन बनाएंगे, हुक पर धागा लेंगे और छल्ले में से निकालेंगे इस तरह से। हमें बस इतना याद रखना है कि हम ये जो चैन बना रहे हैं, इसमें हम जो भी वर्क करेंगे, ये हम लूज हैंड से करेंगे इस तरह से, जिससे ये कान्हा जी को जब पहनाए तब तो छोटा हो जाए, लेकिन जब पहनाने में ये फ्लेक्सिबल हो, तो इसलिए हमें लूज हैंड से बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमने ये 16 चेन बना ली हैं। हम साइज 3 की ये ड्रेस बना रहे हैं, तो हमने 16 चेन बनाई हैं। अब हम यहाँ पर 2 चेन और बनाएंगे, एक दो, दो चेन बनाकर जो हमारी 16वीं चेन थी, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और धागा लेकिन सब में से निकाल देंगे ऐसे। फिर से अगली जो चैन है हमारी, इसमें हम फिर से हुक पर वाले धागा लेंगे और यहाँ डालकर ये 3 हो गए और इनमें से निकाल देंगे। आप देखेंगे जो हमारी पहली चैन थी, उसमें हमने चैन से और एक हाफ डबल क्रोशिया बना ली, हमारे 2 स्टिच हो गए। दूसरी पर एक स्टिच है, फिर तीसरी पर बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर हम अगली पर बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस चीज लाइन को दोहराते जाएंगे, इसी पैटर्न को। 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन पर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरी लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमारी पूरी लाइन बन जाएगी। ये जो हमारा धागा था, इसे हमने यहाँ पर स्टिच में दबा दिया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंड वाला जो हमारा चैन है, जैसे हमारी ये 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया थी सेकंड लास्ट पर, तो लास्ट पर भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे बस यहाँ पर, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर एक दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर किनारे पर इसी चैन पर, पहली चैन पर ही एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हम इसी तरह से ये जो चैन है, आप इधर से देखेंगे, ये एक चैन आ रही है, यहाँ पर हमें यहाँ से हुक डालना है ऊपर से इस जगह से, और यहाँ पर हमें ये बनानी है स्टिच। तो हम बनाएंगे इसी तरह जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी, ऐसे ही हम ये दूसरी लाइन बनाएंगे। एक एक चैन पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से पूरी ये लाइन भी बना लेंगे। हमारी दूसरी लाइन बनने के बाद इस तरह से होगी। दूसरी लाइन में भी हमने एंड में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से। अब अगर आप किसी और साइज का बना रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, ये मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर। अब मिड पॉइंट से हम ये वाला पॉइंट जोड़ेंगे इस तरह से ऐसे, और फिर ये इधर, तो ये हमारा इस तरह से ये फ्रंट पॉइंट आएगा। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, और ये जो हमारे पॉइंट है, ये जो हमारी लाइन है, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ये जो पॉइंट है, इन पर हम इस तरह से कोई भी निशान के लिए धागा लगा लेंगे या पिन लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम ये सिर्फ हमें निशान लगाना है। इसी सीध में चारों इस पर, अब इस तरह से हमारे ये निशान लग गए। और जब हम इसे खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा ये ऐसे। अब इसमें ये जो हमारे पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है, और ये आर्म होल है, ये बाह है। यहाँ पर हमें बुनना नहीं है, यहाँ पर हम बनाएंगे और यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से ऐसे।
और फिर ये जो बैक पोर्शन है और ये भी आर्म होल है और ये फ्रंट पोर्शन है। इस तरह से आप किसी भी साइज की पोशाक बनाएं तो उसे इस तरह से आप बाहें अलग कर सकते हैं। ये बाहें हो गए और ये फ्रंट और ये बैक पोर्शन। और जैसे हम साइज थ्री की बता रहे हैं तो इसमें हम काउंट करके आपको बता देंगे जिससे आपको निशान की भी जरूरत ना पड़े। सबसे पहले किनारे पर हम यहाँ पर हमारी दो लाइन होने के बाद किनारे पर दो चैन बनाएंगे। इसके बाद फर्स्ट चैन पर ही हम एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे पर हाफ डबल क्रोशिया, हर एक पर एक एक बनाना है हमें। फिर तीन चार पाँच, इस तरह से हमारे हो गए एक दो तीन चार पाँच ऐसे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक ढीले हाथ से हमें बनाना है एक दो तीन चार पाँच चैन। पाँच चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर एक इस तरह से इन्हें काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हम छोड़ के नाइन जो हमारा नमा है यहाँ पर हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल हो गया ऐसे। अब हम जितने ये जो पीछे बैक पर हम यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे वन टू थ्री, और ये हमारे पीछे ये टेन हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। इसमें हमें याद रखना है ना ही हमें कोई फंदा बड़ा इसमें हमें बढ़ाना नहीं है, तो हमें हर हाफ डबल क्रोशिया पर हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते जाने हैं। ये हमारा आर्म होल हो गया। और नॉर्मली आपको इतना ध्यान रखना होता है कि जब भी आप कोई पोशाक बनाएंगे तो उसमें जो आगे के दोनों फ्रंट पोर्शन जितने होते हैं उतना पीछे का होता है, ठीक है। जैसे ये फाइव है इधर, फाइव इधर, फाइव इधर होगा तो टोटल टेन होगा, तो टेन हमारा ये पीछे का है। टेन स्टिच हमारी, टेन हाफ डबल क्रोशिया पीछे हो गए। अब हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे ढीले हाथ से एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बना लेंगे। इसके बाद फिर से हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट छोड़कर नाइन जो हमारी है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे पांच। हमारे फाइव इधर हो गए। अब ये हमारी इस तरह से ये इनर इस तरह से आएगा। ये यहाँ पर हमने इसलिए इतना रखा है कि अगर हम इसे इतना रखते तो कान्हा जी को ऊपर से पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और पहन नहीं पाते सही से, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चैन बनाए हैं जिससे चौड़े रहें और इनर हमने ये इस तरह से छोटा रहे। नॉर्मली हम साइज थ्री के कान्हा जी के हिसाब से यहाँ पर नीचे हम 30 रखते हैं, नॉर्मली 30 कमर रखते हैं, 30 स्टिच रखते हैं कमर पर, लेकिन ये इनर है तो इसमें हमें कम रखना है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर पर सबसे पहले बनाएंगे दो चैन और इसी तरह से हर हाफ डबल क्रोशिया पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया हमें ये बनाते जाना है ऐसे। इस तरह से ये हमारे बन गए। अब ये हमारे यहाँ पर फाइव चैन है, तो अब वही फाइव चैन के ऊपर हमें यहाँ पर थ्री हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से ऐसे। इसमें हमें चैन में नहीं डालना, चैन में से इस तरह से हमें लेना है, इस तरह से ऊपर लेंगे ऐसे डालेंगे लेंगे और ये यहाँ पर थ्री हाफ डबल क्रोशिया हम इस तरह से बना लेंगे और फिर इसी तरह से हम हर हाफ डबल क्रोशिया पर एक हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाते जाएंगे। बाद ये हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिर से ये हमारी जो फाइव चैन है यहाँ पर हम ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इधर डालेंगे नीचे से यहाँ लेंगे ऐसे दो और तीन, तीन हो गए हमारे ये। और फिर से हम यहाँ पर हर हाफ
हाफ डबल क्रोशिया पर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। हमारी पूरी एक लाइन बन गई। अब अगली लाइन एक और लाइन हम बनाएंगे और इसी तरह से हर हम हाफ डबल क्रोशिया पे हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये दूसरी लाइन बनने के बाद ये हमारी कान्हा जी की इनर बनकर तैयार हो गई है। धागे को कट कर देंगे और फिर इसमें से निकाल देंगे और फिर धागे को यहाँ पर अंदर की तरफ खींच देंगे। ये हमारे कान्हा जी की इनर बनकर तैयार हो गई है। आप देखेंगे कि इनमें कितना अंतर है। ये हमने बहुत पतले धागे से बनाई है, बहुत पतली ऊन से, तो ये आपको दिखने में बहुत छोटा लगेगा, जबकि बना बिल्कुल इतने ही बराबर, इतनी ही चैन लेकर बिल्कुल इसी तरह से बनाया गया है। लेकिन ये बहुत पतले धागे से बनाया गया है और ये मीडियम साइज के धागों से बनाई गई हैं। इसीलिए जब भी आप इनर बनाएं तो बहुत मोटा धागा यूज ना करें, मीडियम साइज का चल सकता है, पतले का बनाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मोटा धागा बिल्कुल भी, मोटी ऊन यूज ना करें इनर बनाने के लिए। और ये अगर आप बड़े साइज के कान्हा जी के लिए जैसे इनर बना रहे हैं तो ऐसी तरह से दो लाइन ही बनेंगी। ये जो हमने ऊपर दो लाइन बनाई है इसी तरह से दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन बनाएंगे। लेकिन इतना याद रखें कि जैसे आप साइज 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया है तो आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया का इस्तेमाल करें, सिंगल क्रोशिया से बनाएं और बिल्कुल इसी तरह से इसके दो लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, दो लाइन यहाँ पर बनाएं, लेकिन सिंगल क्रोशिया से। और अगर जैसे 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से बना रहे हैं तो हाफ डबल क्रोशिया, और बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो फिर डबल क्रोशिया, और बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो ट्रिपल क्रोशिया। फिर इससे आपको इसमें लाइंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा हमें कितना बड़ा बनाना है, लेकिन बस स्टिच को चेंज कर देंगे। और ये हमारी कान्हा जी की इनर बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मैया कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल के एस टी राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।